स्क्रॉल इंडिया नाम से एक फर्जी कंपनी बनाकर 40 दिन में अधिक पैसा कमाने का लालच देकर लक्सर के खानपुर, ऋषिकेश व टिहरी गढ़वाल इलाकों के कई ग्रामीणों से 1,60,00,000 की धोखाधड़ी करने वाले कंपनी मालिक रविंदर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें, कंपनी मालिक रविंद्र और उनके साथियों ने वर्ष 2019 में स्क्रॉल इंडिया नामक कंपनी के माध्यम से शेयर मार्केट में पैसा लगवाकर 40 दिन में दोगुना करने का झांसा देकर अनेक लोगों से 1,60,00,000 की धनराशि हड़प ली थी और फिर फरार हो गए थे। ठगी के शिकार ग्रामीणों और अधिवक्ता ने स्क्रॉल इंडिया कंपनी के मालिक के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया था। वहीं खानपुर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेजकर आरोपी की संपत्ति की जांच करने में जुट गई है। दिसंबर माह में जो है यहाँ क्षेत्र में यहाँ पे राइसी क्षेत्र और इधर खानपुर क्षेत्र में एक व्यक्ति जो है यहाँ से पैसे इकट्ठा करके स्क्रॉल इंडिया नाम से एक कंपनी चला रखी है ऋषिकेश से, और काफ़ी लोगों का यहाँ से पैसा इकट्ठा किया है। पैसा इकट्ठा करने के बाद कंपनी बंद करके ये भाग गया। इस संबंध में जो है थाना खानपुर में एक FIR दर्ज हुई थी। रामधन आदि लोगों ने FIR दर्ज कराई थी। उसमें थाना पुलिस खानपुर द्वारा रोहतक से एक रविंदर नामक जो मेन इसका कर्ता धरता है कंपनी का, जिसने फर्जी कंपनी तैयार की थी, उसे गिरफ्तार करके लाए हैं। उसे आज कोर्ट में पेश किया जा रहा है और विस्तृत पूछताछ की जाएगी, जिसमें पुलिस रिमांड कस्टडी रिमांड के लिए भी है कोर्ट से जो है रिक्वेस्ट की गई है। 2018 से शुरू हुआ था और इसमें हम लोग लगभग 200 लोगों का पैसा है और ये जिसमें पूरी रकम है वो लगभग 160 करोड़ रुपए के आसपास का ये पूरा मामला है।